पिपरोजिन जो होता है वो एंटी हेलमेंटिक ग्रुप ऑफ ड्रग्स को बिलोंग करता है, जिसका इस्तेमाल बेसिकली जो पैरासिटिक इन्फेक्शंस होते हैं, वर्म इन्फेक्शंस होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में किया जाता है। जो राउंड वर्म्स होते हैं, एस्केरियस लम्ब्रिकॉइड्स होते हैं, थ्रेड वर्म है, पिन वर्म है, इन सब के ट्रीटमेंट में कॉमनली इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो दवाई होती है बेसिकली जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक करती है पैरासाइट्स में, वर्म्स में, और उसके वजह से उनका जो डिसलॉजमेंट होता है हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है उसमें, एंड उसके बाद वो स्टूल के थ्रू आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से जो ये दवाई है पैरासिटिक इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। अच्छा, इस दवाई का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही किया जाता है, यानी कि ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है और इसका आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद इसको खरीद और इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी दवाइयों को वैसे भी सेल्फ मेडिकेट करना बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो कभी भी अपनी मर्जी से किसी भी इस तरीके की दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अच्छा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये वैरायटी ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो क्योंकि पैरासिटिक इन्फेक्शन की हम बात करें तो वहाँ पे आपके ओवरऑल हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो आपके डॉक्टर इस ट्रीटमेंट के साथ में बहुत सारे हाइजीन रिलेटेड एडवाइसेस भी आपको देते हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जो पिनवर्म है वो कई बारी उसका काफ़ी इजिली पास ऑन होता है वो, और एक फैमिली के दूसरे लोगों को भी इजीली हो जाता है। तो अगर पिनवर्म सस्पेक्ट करते हैं ऐसी कंडीशन में पूरी फैमिली का ट्रीटमेंट एक साथ किया जाता है। साथ ही साथ आपका जो बेडिंग है, आपके जो कपड़े हैं, उनको भी डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो सारे जो हाइजीन रिलेटेड आपको एडवाइसेस दिए जाते हैं आपके डॉक्टर इसके ट्रीटमेंट के साथ में, वो एडवाइसेस देते ही देते, तो उसको भी फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ ये जब ट्रीटमेंट करते हैं तो इसके पहले तो हम इन्वेस्टिगेशंस करते ही हैं ताकि पता चल सके कि पैरासिटिक इन्फेक्शन है या नहीं है। इन बिटवीन भी कई सारे आपको टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं, लाइक इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कि पैरासिटिक इन्फेक्शन का क्या इम्प्रूवमेंट है, वो ट्रीट हुआ या नहीं, उसके लिए भी टेस्ट करवाने होते हैं, उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन करवाने होते हैं। साथ ही साथ ब्लड टेस्ट भी, कई सारे जो रूटीन ब्लड टेस्ट आपको इसके दौरान एडवाइस किए जाते हैं वो करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो भी चीज़ें आप ज़रूर फॉलो करें। एंड जो भी जिस भी टाइम आपको फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है विद इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट, आपको ज़रूर जाना चाहिए ताकि आपकी ओवरऑल कंडीशन को जांचा जा सके और आपकी कंडीशन में कितना इम्प्रूवमेंट है वो भी देखा जा सके। अब अगर हम बात करें इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसके बाकी दवाइयों की तरह इसके भी कुछ एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि विद टाइम रिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि नौजिया वॉमिटिंग की कंडीशन हो सकती है, उल्टी आना, पेट दर्द होना, ड्राउजीनेस होना, डिजीनेस होना, सिर दर्द की कंप्लेन हो सकती है, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ एक लोगों में वर्टिगो की कंप्लेन, साथ ही साथ कुछ एक लोगों में लिवर एंजाइम्स में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इन बिटवीन आपको कुछ एक ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है, तो उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट करवाना भी ज़रूरी होता है ताकि आपके लिवर के एंजाइम्स को भी जाँचा जा सके इस दवाई की वजह से वहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में। उसके अलावा जब आप ये दवाई आपको प्रिस्क्राइब की जा रही है, आप पहले से किसी और दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ओवर द काउंटर दवाई, चाहे कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है किसी और बीमारी के लिए, या कोई सप्लीमेंट है या कोई हर्बल प्रोडक्ट है, उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि कई बार ये ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता पर हमारे डॉक्टर को ज़रूर पता होता है। तो ऐसी किसी कंडीशन को हम फेस ना करें, तो कोई भी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ किसी भी और मेडिकल अंडरलाइन कंडीशन, पहले से अगर हम सफ़र कर रहे हैं, कोई भी और बीमारी है, कोई भी बीमारी हो सकती है, डायबिटीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, कोई भी अगर दिक्कत है पहले से जिसके लिए हम दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पहले से नोन है कंडीशन, उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो भी ज़रूर इन्फॉर्म करें। उसके अलावा ये दवाई प्रेगनेंसी के दौरान हार्मफुल हो सकती है बच्चे के लिए, तो प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन अगर है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इस दवाई को लेते हुए प्रेगनेंसी हमें अवॉइड करनी होती है, तो अगर आप कंसीव करने का प्लान करें तो अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। साथ ही साथ जिस तरीके से इस दवाई को आपके डॉक्टर ने एडवाइज़ किया है बिल्कुल आप उसी तरीके से लें, आपकी कंडीशन की क्या आपकी क्या प्रेजेंट कंडीशन है उसी के हिसाब से ही आपके डॉक्टर दवाई को एडवाइज़ करते हैं, किस डोज में कर रहे हैं और कितने समय के लिए कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उसको बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से फॉलो करें। साथ ही साथ यूजली इस दवाई को विद और विदाउट फूड ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी सर्टन वे में आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइज़ किया तो बिल्कुल उसी तरीके से ही लें, फिक्स टाइम पे लें ताकि जो टाइम गैप है उसको आप मेंटेन कर सकें और जो मैक्सिमम बेनिफिट है दवाई का वो आपको मिल सके।
ये दवाई है, इसके साथ में जो भी अगर कोई और दवाई को ऐड किया जा रहा है तो उसको भी आप बिल्कुल लें। किसी भी दवाई में अपने हिसाब से कोई चेंजेस नहीं करें। साथ ही साथ हेल्दी और बैलेंस्ड खाना खाएं, हाइजीन मेंटेन करें, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें। खुला खाना, अनहाइजीनिक खाना आपकी प्रॉब्लम को और उसकी वर्जनिंग कर सकता है, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अल्कोहल कंजम्पशन को, किसी भी तरीके के टोबैको कंजम्पशन को बिल्कुल अवॉइड करना ज़रूरी है। उसके अलावा जो एडवाइस हमेशा देती हूँ कि जब भी आप कोई भी दवाई खरीदते हैं तो एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें, और साथ ही साथ ध्यान रखें कि जो दवाई आप ले रहे हैं ओरिजिनल हो और उसका जो सील हो मेंटेन्ड हो। ओरिजिनल दवाई ऑर्डर करने के लिए आप हमारे लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो जो कि हमारी टीम ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो हमने बात की पिपरासिन के बारे में, उसके अलावा भी आप कुछ और जानना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।